हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सरकार के दूसरे कार्यकाल के कार्यक्रम को मूल रूप देने की पहल करते हुए मंगलवार को नवगठित 14वीं हरियाणा विधानसभा के नए सत्र के दूसरे दिन जनप्रतिनिधियों, किसानों, युवाओं और कर्मचारियों के लिए अनेक घोषणाएं करते हुए हरियाणा विधानसभा में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर आगामी 5 वर्षों के सरकार के विजन को रोड मैप बताया और कहा कि हम एक स्थायी सरकार देंगे। अपने संबोधन की समाप्ति पर विपक्ष को एक अनूठे अंदाज में मुख्यमंत्री ने उत्तर देते हुए कहा कि जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हमसे आगे है और कौन पीछे है, लगा दिए जाएंगे। इसी प्रकार किसानों की जो कोऑपरेटिव जो बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और पैक्स, इनके जो लोन है उस लोन का इंटरेस्ट और पेनल्टीज ये सब कैलकुलेट करा करके हमने बता दिया है कि 4,750 करोड़ रुपया ये घोषणा कर दी उसको माफ़ करने की। अभी किसान उसका लाभ लेने के लिए इस समय लगे हुए हैं, 30 नवंबर तक उसकी डेट है। अभी तक 75,000 किसानों ने उसका लाभ ले चुके हैं, 220 करोड़ रुपया माफ़ किया जा चुका है, लेकिन किसान लगभग 7 लाख से ऊपर हैं। मेरा हाउस से निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र में सभी जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स या पैक्स, उनके जहाँ जहाँ लोन आउटस्टैंडिंग हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग होने के बाद उनका खाता एनपीए हो जाता है और एनपीए होने के बाद आगे उसको द्वारा लोन ले नहीं पाएंगे, तो इसलिए अब उनको कह दिया गया कि आप इसका पिछला अकाउंट यानी ये माफ़ कर दीजिए इंटरेस्ट और पेनल्टी, बाकी जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट है वो ले लीजिए। जो किया है वो मैंने बताया है और उसमें हमारा आपसे निवेदन है आप कोऑपरेट करिए, 7 लाख किसानों को लाभ होना है। अभी सिर्फ 75,000 किसानों ने लाभ लिया है, 6,30,000, इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि भी किसने कराना किसने नहीं कराना। हमने उसकी बैंकों के माध्यम से जानकारी दे दी, सपोज कर दिया, लेकिन हमारा भी पब्लिक एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व तो बनता है कि अपने अपने वहाँ किसानों को कह करके संयोग से अब फसल किसान की आई है तो स्वाभाविक है जब फसल का पैसा उसको मिलता है तभी वो कर सकता है, तो अभी इस समय इसमें तेज़ी लाई जा सकती है और वो अपने एनपीए अकाउंट को समाप्त करा के रेगुलर अकाउंट उसको चला करा लें, ये एक विषय भी इसके साथ जोड़ना था। हमने एक पॉन्ड एंड वाटर डिस्पोजल मैकेनिज्म एक अथॉरिटी बनाई है, पॉन्ड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा, और अभी उसका गठन हुआ है, कोई 3-4 महीने पहले ही हुआ था, तो उसमें से हमने उनको दिया है कि कुल 14,000 तालाब हैं हरियाणा के, जिसमें से 4,500 तो सूखे के कारण से उनकी समस्या है और ऐसे 6,000-7,000 हैं जिनका ओवरफ्लो के कारण से समस्या है, बाकी नॉर्मल है। तो ओवरफ्लो वाले जो तालाब हैं उनका पानी का डिस्पोजल, उस पानी का इरिगेशन के लिए उपयोग, उस पानी को साल में एक बार खाली करके नया पानी उसमें डाला जाए ताकि वो रीयूजेबल हो जाए पशुओं के पीने के लिए, तो ऐसा एक मैकेनिज्म बना करके और उसमें धीरे धीरे इस काम को कर रहे हैं। 20 के आसपास तालाब ऐसे हैं जिन पर काम शुरू हो चुका है, जो 10,000 से बड़ी आबादी के जो बड़े बड़े गाँव हैं जिसको हमने महाग्राम का नाम दिया था, उसमें ये गाँव में काम शुरू हो चुका है, लेकिन इसको गति से हमको करेंगे ताकि अगले आने वाले 5 साल में, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा बजट लगने वाला है इसमें, तो इसका प्रबंध करके। और हम पानी के दो विषय, एक ये विषय और एक पीने का पानी, यात्रा में जैसा उल्लेख किया गया कई जिले ऐसे हैं जहाँ के लोग मिले कि पीने के पानी की समस्या बहुत है, अब ये समस्या तो पुरानी है, आज नहीं है, पानी की कमी भी है, फिर भी योजना बना करके पीने के पानी की प्रायोरिटी इरिगेशन से भी ज़्यादा, हमको किसान को भी समझाना होगा कि पीने का पानी इरिगेशन से भी ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए पीने के पानी के पाइपलाइंस अलग से जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ वहाँ संभव होगा करेंगे, ताकि वहाँ के वाटरवर्क्स वो पीने के पानी के लिए पर्याप्त भरे रहें। और हमारी तो 5 साल 2024 तक योजना है कि हर घर में नल, जैसे हर घर के अंदर गैस का हमने पहुँचाई है, इसी प्रकार से आने वाले 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पानी का नल टूटी रसोई के अंदर पहुँचे, ये हमारी योजना है, इसको पूरा करेंगे। एक विषय ड्रग अब्यूज़ का, इसमें वास्तव में ये समस्या ऐसी है कि एक नॉर्थ इंडिया की एक सामूहिक समस्या है। पिछले दिनों में लगभग अगस्त 2018 की बात है, 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, आसपास के प्रदेशों के सब मुख्यमंत्रियों को मैंने स्वयं बुलाया था, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे और कुछ जगह 4 मुख्यमंत्री आए थे, बाकी जगह के अधिकारी आए थे। एक कॉमन स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, इसके लिए स्टेट टास्क फोर्स हमने बना दी है और एक सचिवालय भी, ड्रग अब्यूज़ या ड्रग कंट्रोल सचिवालय, ये पंचकुला में ही बनाया गया है। हर प्रदेश के 2-2 अधिकारी वहाँ पंचकुला में बैठे हैं और आपस में डेटा शेयरिंग करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते लेते हैं, और जहाँ जहाँ इस प्रकार के लोग हैं
उनको सबको कैसे कंट्रोल करना, डिमांड पर भी और सप्लाई पर भी कैसे कंट्रोल हो, इसके लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम हैं और उनका कैसे ट्रीटमेंट किया जाए उसके भी प्रोग्राम चालू किए हैं, एनजीओस को भी इसमें शामिल किया है। तो कुल मिलाकर सभी डिपार्टमेंट इसमें, हेल्थ है, स्कूल एजुकेशन है, सोशल जस्टिस है, हायर एजुकेशन है, प्रिजंस है, पुलिस है, इन सब डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन करके और इसके ऊपर काम शुरू किया है। स्टेट टास्क फोर्स तो बनी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स ये भी एक डीएसपी के अंडर हर ज़िले में ये बनाने की योजना है, जल्दी बन जाएगी। पुलिस हेडक्वार्टर पर एक हेल्पलाइन जो इन्फॉर्मेशन इस प्रकार की देने वाले हैं उनका नाम गुप्त रखा जाएगा, तो ऐसा एक इन्फॉर्मेशन का सेंटर ये भी बनाया गया है। डी एडिक्शन सेंटर भी कुछ जगह पर चल रहे हैं, लेकिन उसमें कई प्रकार की कमियां देखने में आई हैं। मैं जो भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको कहूँगा कि 2 महीने के अंदर अंदर सभी डी एडिक्शन सेंटर्स उनका एक बार निरीक्षण करें, इंस्पेक्ट करें उसको, और जो उसमें कमियाँ हैं उसको हम लोग दूर करेंगे। और इसमें कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इसमें हर एक ऐसे विभाग के नाते से जहाँ जहाँ किया जा सकता है, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, एक प्रकार का एंटायर अवेयरनेस प्लान ये इसमें बनाया गया है, और एक बहुत ही ऐसी समस्या है जिसमें सबका सहयोग चाहिए। हमने अपने संकल्प पत्र में एक बिंदु ये लिखा था कि जो आउटसोर्सिंग की महिलाएं हैं उनको भी मातृत्व अवकाश अभी उनको नहीं मिलता है, तो इसकी भी घोषणा कर रहे हैं और इसका प्रावधान करके जो आउटसोर्सिंग में महिलाएं काम करती हैं उनको भी मातृत्व का अवकाश, इसी सप्ताह ये पत्र जारी हो जाएगा। तो आउटसोर्सिंग में जो महिला कर्मचारी उनको मातृत्व अवकाश, एक हमारे घोषणा पत्र में दोनों में था कि हम ग्रामीण क्षेत्र की आबादी में शराब के ठेके ये नहीं खोलेंगे। अब चूंकि ये इस वर्ष का तो जो चल रहा है उसमें इस बीच में भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन फरवरी में जो नए ठेके होंगे वो ग्रामीण आबादी के क्षेत्र में नहीं खोले जाएंगे, लेकिन इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से वहाँ से एक सहमति यानी वहाँ की पंचायत की, वहाँ की ग्राम सभा की, ये लेकर के जो जो अभी कर देंगे, हालांकि डिपार्टमेंट ने 30 सितंबर तिथि उसकी तय की हुई है, लेकिन अब हम 31 दिसंबर तक। ऐसे ही एक हमारे घोषणा पत्र में हमने कैंसर रोगियों की बात कही है कि कैंसर रोगी और उसका एक सहायक उसको बस में फ्री ट्रेवल, इसकी नोटिफिकेशन भी हम अगले सप्ताह ये कर देंगे। पराली का एक विषय आया था, हमको मालूम है कि ये भी समस्या एक अपने आप में एक बड़ी ऐसी बन गई है जो ना हम इधर बोल सकते ना उधर ज़्यादा बोल सकते। आखिर प्रदूषण कोई भी नहीं चाहेगा प्रदूषण हो, और जिस प्रकार की परिस्थितियाँ खास करके बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे शहर में NCR में प्रारंभ होती हैं फिर बाद में सारे प्रदेश में फैलती हैं। 2 दिन पहले हरियाणा का कोई जिला ऐसा नहीं था जहाँ 400 का AQI, 400 से ऊपर सब जगह, एक यमुनानगर जिले में 376 या 96 कुछ ज़्यादा था, वरना सब जिलों का 400 से ऊपर था, हरियाणा में भी कुछ 1-2 दिन में कम हुआ है। लेकिन केवल पराली से ही उसका प्रभाव ऐसा भी नहीं है, और हमने हरियाणा में काफ़ी कुछ इस पर काबू पाया भी है। अभी जितने नासा के सैटेलाइट के जितने चित्र आ रहे हैं या नेस्कॉम इसके हमारा हर्षक के आ रहे हैं, उन सब में हरियाणा बहुत कम है। यानी कुल मिलाकर 1.5 महीने में 25 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक 4341 ऐसे जो एक्टिव फायर, एक्टिव क्रॉप फायर लोकेशन, इतनी डिटेक्ट हुई है 4341, और इसमें भी 9 जिले सबसे ज़्यादा हैं, कैथल, करनाल, फतेहाबाद, अम्बाला, सिरसा, यमुनानगर, पलवल और कुरुक्षेत्र। इनमें थोड़ी सख्ती भी हमने बरती है कि भी लोग इसमें थोड़ा सा ना पराली जलाएं, कई तरह के उसमें प्रावधान भी किए गए हैं, सब्सिडी भी दे रहे हैं, उसमें इम्प्लीमेंट्स भी दे रहे हैं, और पराली को इकट्ठा बेल बना करके बिक्री हो जाए, उसका उपयोग हो जाए। विषय तो उस पराली का क्या करें, किसान भी पराली को जलाता क्यों है, उसका उपयोग नहीं कर सकता, कहाँ ले जाए, रास्ता कोई नहीं है, पैसा भी देंगे तब भी पराली को क्या करेगा, नहीं इकट्ठा। आज भी उसको सुविधाएं सारी दे रहे हैं, उसके इम्प्लीमेंट्स के लिए अभी 10,000 मशीनें तो पिछले साल में बांटी, 15-14,000 इस बार बांट दी हैं, और 80% उसमें सब्सिडी दे रहे हैं। पंचायतों को भी कह रहे हैं कि भी आप इसमें थोड़ा चार्जेस लेकर के और करो, और उसका जो बेल बनाता है वो बिक भी रही है। अगले साल तक तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लग रहा है, उसका बायोडीजल का प्लांट लग रहा है, तो उसमें पानीपत, करनाल और जींद और कुछ सोनीपत ऐसे 4 जिलों का, पानीपत तो पूरा ही है, 4 जिलों का कुछ और हिस्सा,
इतना सारा तो मटेरियल वो इकट्ठा करेंगे, हम इस ओर बढ़ रहे हैं कि एक एक प्लांट लगे वहाँ उसका यूज हो, इधर अंबाला में और यमुनानगर में, इधर तो हमारी जो बिजली के बनाने वाले प्लांट हैं ये भी खरीद रहे हैं, कुछ जगह पर खरीद शुरू हो गई है इसकी, जहाँ जहाँ खरीद शुरू हो गई है वहाँ वहाँ जलाने की ये घटनाएँ कम हुई हैं। इसलिए पराली का उपयोग क्या हो, एक तो यह है कि जैसे डीकम्पोजर है उसमें अंदर ही वो बाद है और ताकि 2 महीने बाद उसका खाद का उसका उपयोग हो जाए, या उसकी बेल बना करके उसको बिक्री हो, पावर जनरेशन हो, इथेनॉल हो, उसमें बायोडीजल हो, ये चीज़ें बनाने के लिए उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि किसान की आमदनी उसमें हो जाए, तो ये सब कर रहे हैं। इसके लिए भी आपको ये बताया मैं। अब अंत में एक विषय और जो मेरे ध्यान में है वो प्राइवेट स्कूलों का है। प्राइवेट स्कूलों के भूमि और भवन बारे जो निर्धारित जो पैरामीटर हैं उनके मानक जिनके पूरे नहीं हैं उसी में कठिनाई आती है, क्योंकि आखिर स्कूल के बच्चों की पढ़ाई का जो पैरामीटर तय किए हुए हैं उसमें ये तो है कि रिवाइज करके थोड़ा सा ढीला तो हम कर सकते हैं, लेकिन एकदम उन मानकों को ख़त्म करना वो बच्चों की पढ़ाई के लिए उपयोगी नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए जितना भी संभव होगा इन मानकों पर पुनर्विचार करके और शीघ्र अतिशीघ्र कोई निर्णय लेकर के कुछ स्कूलों का उसमें मान्यता मिल सकती है, सबको तो उसमें मिलना कठिन है। मेरा इतना ही कहना कि सब साथ चलें, सबका साथ सबका विकास, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं, जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हमसे आगे है और कौन पीछे है, ये भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ और हम किसके साथ। इसलिए सबका साथ सबका विकास इस बात को लेकर के हम चलें। साथ चलने के लिए हम लोग हमेशा एक पाठ किया करते हैं, मैं तो हमेशा अपने जीवन में बहुत करता हूँ, कुछ मेरे साथी भी करते हैं, उसकी आधी पंक्ति अगर मैं बोलूँगा मेरे बहुत से साथी समझ जाएंगे। अगर आज उस पाठ से समाप्त करेंगे उस पाठ का अर्थ क्या है, अर्थ यह है कि सब साथ मिलकर चलें, मिलकर काम मेहनत करें, परस्पर द्वेष न करें, सभी तेजस्वी बने। और वो जो उस पाठ का नाम है ओम सहना भवतु, ओम सहना भवतु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। पावर के संबंध में पहले तो मैं अपने विभाग के कार्यकाल से, पिछले 5 साल के कार्यकाल से एकदम संतुष्ट हूँ कि जो हमने चाहा है उस लाइन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। पहली बार हरियाणा में 24 घंटे गांव को बिजली देने का जो हमने एक घोषणा की थी उसमें हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ गए। मैं तो जो डाटा हमारे पास है 1 सितंबर से 30 सितंबर एक महीने का, इस एक महीने में रूरल डोमेस्टिक इसमें 18 घंटे से 20 घंटे एवरेज है। एवरेज मतलब इसमें 16 घंटे वाले भी हैं, 18 वाले भी हैं, 24 वाले भी हैं, 21 वाले भी हैं। एवरेज जो पूरे इस UHBVN और DHBVN का इकट्ठा एवरेज 18 घंटे से 20 घंटे। इसी प्रकार यह है AP एग्रीकल्चर का 8 घंटे से 10 घंटे, यानी 1 सितंबर को 10 घंटे है, 27 सितंबर को 10 घंटे है, बाकी सब 8, 8.5, 8.5 घंटे, एक जगह 9 घंटे, 2 दिन 9 घंटे भी है। तो 8 से 10 घंटे एवरेज ये रूरल डोमेस्टिक इसमें एग्रीकल्चर फीटर में ये बिजली जा रही है सब जगह, पूरे महीने की बता रहा हूँ। इंडस्ट्री 23.5 घंटे की एवरेज है इंडस्ट्री की पूरे महीने की, और अर्बन भी लगभग 23.5 घंटे है। ये DHBVN बताया, UHBVN का अलग है, रूरल का है 17 से 18 घंटे, वहाँ 18 से 20 घंटे, यहाँ 17 से 18 घंटे है, अर्थात UHBVN में थोड़ा 1 घंटा कम आ रहा है। ऐसे ही AP में 8 घंटे से 10 घंटे, इंडस्ट्री में वही 23.5 घंटे, अर्बन में 23.5 घंटे, ये पूरा डाटा शीट है मेरे पास। तो एक महीने का 1 सितंबर से 30 सितंबर, एक साथ में इसमें लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन ये विषय आया था। इसमें भी जो एक योजना बनाई थी कि 4-स्टार जो पंप्स हैं, मोटर पंप्स, 4-स्टार मशीनें, ये पहले से एक सिस्टम चला, चेक करने के बाद पता लगा कि वहाँ कंट्रोल कोई किसी का था नहीं, नाम 4-स्टार और सब डोमेस्टिक जो देसी जो मोटरें हैं वो प्राय सब लोगों ने लगा रखी हैं, बहुत कम परसेंटेज 4-स्टार मिली है। बाद में डिपार्टमेंट को ये निर्णय करना पड़ा कि एक तो 4-स्टार से अब 5-स्टार की टेक्नोलॉजी आ गई है, 4-स्टार और 5-स्टार में 30% कंजम्पशन का फ़र्क है, तो क्यों नहीं 5-स्टार पर जाया जाए।
लेकिन फाइव स्टार पर अगर वैसे ही लागू कराएंगे जैसे फोर स्टार लागू कराया था तो किसान करने वाला नहीं है, इसलिए देसी लाएगा और बिल बनवाएगा कहीं से भी फाइव स्टार का। तय ये किया गया कि जो फोर स्टार का खर्चा है वो तो प्राय प्राय कंपनियों का पता है कितना आता है, हम फाइव स्टार की मोटरें ग्लोबल टेंडर के माध्यम से और ये ली जाएं पहली खेप में। वैसे 84,000 ट्यूबवेल कनेक्शन है जो पेंडिंग है इस समय, पहली खेप में 15,000 मोटरें ये एक ग्लोबल टेंडर के माध्यम से ली गई हैं। अब ग्लोबल टेंडर में कंपनी कहाँ की आती है कहाँ की नहीं आती है ये हमारा कोई कंसर्न नहीं होता है, वो आए हरियाणा की, वो आए श्रीलंका की, वो आए केरल की, वो आए गुजरात की, वो आए उत्तर प्रदेश की, वो आए आसाम की, कहीं की आए। अब जो कंपनी आई है ड्यूक प्लेस्टो, ये संयोग से गुजरात की है, और गुजरात की कंपनी से हमारा कोई विरोध थोड़ी है, हमें तो क्वालिटी चाहिए, हमको रेट चाहिए, क्वालिटी रेट सप्लाई तीन चीज़ें अगर होती हैं तो हमको सारी कंपनियां मंजूर हैं। 5 साल का AMC है उस रेट में, इसलिए वो कंपनी के माध्यम से लगेंगी, और रेट भी बहुत रीजनेबल आया है, 4 स्टार का और 5 स्टार का बहुत कम अंतर आया है। हम विचार ये भी कर रहे हैं कि उस कम अंतर को भी किसान से बहुत कम लिया जाए, यानी जो किसान को तो रिबेट हो जाएगा, जो केवल 4 स्टार का खर्च है नई यार लगेगी तो 4 स्टार का पैसा उनसे लेंगे, 5 स्टार का जो पैसा और एक्स्ट्रा है वो सरकार लगाएगी। इसलिए वो जो 30% अगर बचत होनी है तो अल्टीमेटली डिपार्टमेंट की होगी, इसलिए जो एक्स्ट्रा खर्च है 5 स्टार का और AMC का वो सारा सरकार ही अपनी ओर से, यानी डिपार्टमेंट लगाएगा तो डिपार्टमेंट उसको उसमें से कवर कर लेगा। इसमें से पोर्टल खोला गया था 6 सितंबर को, इन 84,000 में से जो पैसा जमा कराने का था 4 स्टार का उसके रेट तय कर दिए थे, 30 सितंबर तक 12,035 किसानों ने अपना पैसा जमा करा दिया है। इन 12,035 किसानों को कनेक्शन देने का काम शुरू हो गया है। अब वो चूँकि कैपेसिटी डिपार्टमेंट की जितनी है उसी हिसाब से लगाएंगे, इसमें कुछ महीने लगेंगे, उसके तुरंत बाद अगली एक किस्त 15,000 की 20,000 की फिर करेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जिसकी होगी वो पैसा वैसा जैसे जमा कराएंगे उसमें फिर सीनियोरिटी जो होगी उस पर वो लगाते चले जाएंगे, ऐसा इस डिपार्टमेंट की ओर से एक उत्तर है। इसलिए हम चाहते हैं कि बिजली बचत भी हो और नए कनेक्शन भी सबको 5 स्टार पंप के मिलें, इसके लिए 31 दिसंबर 2018 तक ये कनेक्शन सारे 84,000 ये सबको मिल जाएंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।